भाजपा नेता बृजेश सिंह द्वारा आयोजित शुभ छठ पूजा समारोह का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु अक्षा तट पर एकत्र हुए। अपनी भक्ति के साथ डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद सम्मानजनक स्वागत के लिए जल अर्पित करने के बाद भक्तों ने प्रयास फाउंडेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जश्न मनाया। बृजेश सिंह मलाड मालवनी के निवासियों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने मलाड के निवासियों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया और इन सभी वर्षों में अपने क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक कार्य किए हैं। यही कारण था कि बृजेश सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह का जश्न मनाने के लिए हजारों भक्त अक्षा तट पर एकत्र हुए। भाजपा नेता बृजेश सिंह ने कहा कि हमने अक्षा समुद्र तट पर छठ पूजा कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। भक्तों को चेंजिंग रूम, चाय, शीतल पेय, नाश्ता आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की है। हिंदी और भोजपुरी संगीत उद्योग के मशहूर कलाकारों और संगीतकारों ने मंच पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हजारों भक्तों का दिल जीत लिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहूंगा। मलाड के अक्षा बीच में इतना अच्छा जानवर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन करना, हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारी बहने इस कार्यक्रम के लिए आई हुई है, गत अनेक वर्षों से आ रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रयास फाउंडेशन के कार्यकर्ता पदाधिकारी और विशेष करके बृजेश सिंह, गणेश कंकर, इन सारे लोगों को भगवान अच्छी बुद्धि दे ताकि आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से हम हमारे भारत देश के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए हमारी जो विरासत है, हमारी ये पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है, उसको बरकरार रखने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। निरंतर ही जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना और जिस तरह से कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, गणेश पूजा हो या फिर छठ पूजा, आप जिस तरह से जनता के लिए खड़े रहते हैं, बृजेश भी लगातार है, उन्हें क्या आप सीख देना चाहेंगे? जनता ने मुझे खड़ा किया है तो जनता के साथ में खड़ा रहना ये मेरा फर्ज बनता है। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना लंबा समय तक साथ दिया है। इतिहास को अगर आप उसका आकलन करेंगे तो मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो बहुत ही गरीबी से आया, बिगर पैसे से राजनीति कर रहा हूं और ये बिगर पैसे से राजनीति करना इन दिनों में संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें जब साथ और सहयोग देते है तब यह होता है। तो मैं कम से कम अपना तन भी अगर निछावर नहीं करूँ तो फिर ये अन्याय होगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय मैं कार्यकर्ताओं के साथ बिताऊं। जहाँ पर भी छोटा छोटा कार्यक्रम का भी आयोजन होता है तो वहाँ पर जाकर कार्यकर्ताओं का और भक्तजनों का मनोबल बढ़ाओ, ये प्रयास मैं करते रहता हूँ और आने वाले दिनों में भी करता रहूंगा। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है जो भक्ति में रूप आप देख पा रहे हैं, जगह जगह हर जगह पर इस तरह के आयोजन भाजपा द्वारा भक्तों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, क्या देखते हैं? निश्चित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी का हम अभिनंदन करेंगे। ये सब प्रेरणा तो ऊपर से आती है, ऊपर से आने पहले तो भगवान प्रेरणा देते हैं, उसके बाद में हमारे भगवान रूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा देते हैं और ये होते 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 नीचे तक आ जाता है। ये सबका एक ज्वाइंट वेंचर ऐसा मैं मानूंगा और हम सबको काम करने के लिए निश्चित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा करते हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनके आदेश का हम पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि जो आपकी भावना है छठी मैया के प्रति, आपने जो व्रत रखा है, जिस विश्वास से आप आस्था से रखते हो, तो आपको छठी मैया जरूर आशीर्वाद देगी और भारत की तो पूरे विश्व में उन्नति हो ही रही है, साथ साथ में आप सभी की मनोकामनाएं छठी मैया पूर्ण करेगी। आप जिस तप और बल से आप व्रत रखते हो, छठी मैया आपको जरूर आशीर्वाद देगी। सर, ये पर्व बिहार से होते हुए पूरे भारत में होते हुए पूरे देश में आज मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत तो अपना भारत की तो यही कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो बिहार का है या उत्तर प्रदेश का या पंजाब का, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, तो अपनी लोकल मान्यताओं के हिसाब से लोग मनाते हैं, लेकिन आज तो पूरा देश हर जगह बसा हुआ है। जैसे ये महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि यानी संतों की भूमि है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पूरे देश के लोग बसते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा है कि पूरे देश के हर एक प्रांत का आपको नागरिक यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में हर त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वह छठ पूजा हो, चाहे और कोई भी त्यौहार हो, लोहड़ी हो, कोई भी देश का किसी प्रांत का त्यौहार हो, तो महाराष्ट्र में जरूर मनाया जाता है। सर,
उत्तर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होते हुए भी यहाँ पर जो भीड़ देखी गई है, हर साल से ज्यादा भीड़ लग रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, भक्ति के आगे कोई चीज चलती नहीं है, ये भक्ति की भीड़ है। और जो क्रिकेट मैच की भीड़ है वो तो है ही है, उसमें भी पूरे देश से लोग गए हुए हैं, लेकिन ये भक्ति की भीड़ है, इसका और उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये आस्था का पर्व है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हरी मैया की जय, हरी मैया की जय। विजय सिंह आगे बढ़े, नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी चार किसान किसान भारत माता की जय, जय श्री राम। पिछले 12 साल से हम लोग यहाँ पर छठी मैया का यह पर्व हर साल मना रहे हैं, और दिन पर दिन हर साल यह जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ते ही जा रही है, इसलिए व्यवस्थाओं में भी हम लोग बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इस बार आज आप देख रहे हैं कि छठी मैया का पर्व भी है, और वहाँ पर अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल भी है। लेकिन छठी मैया का जो यह घाट पर आप भीड़ देखेंगे जगह जगह, तो आपको पता चलेगा कि भक्तों की भीड़ कहीं ज्यादा है। लेकिन ये भक्त भी यह सोचकर किसी के मन में अगर जरा असमंजस होगा कि क्रिकेट का मैच देखें कि घाट पर जाएं, तो वो घाट पर आए हैं, लेकिन उनका जो है घाट पर आने के बाद में क्रिकेट देखने का भी मनोकामना पूर्ण हो रही है। यहाँ पर हम लोग ने क्रिकेट देखने की व्यवस्था LED पर लगाई हुई है, और भक्ति भाव के साथ में क्रिकेट का मैच भी लोग देखेंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग ने की है। मोदी जी भी देखने गए हैं मैच को? देखिये, मोदी जी तो विश्व का विजय कर चुके हैं और उनको पूरा विश्व अपना नेता मान चुका है, इसलिए यह जो है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप यानी विश्व कप है, तो विश्व कप में विश्व का नेता तो जाएगा ही जाएगा।